तो भाई लोग लेके आ गए हूँ आपके लिए वो वाला वीडियो जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हो, क्योंकि कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने से पहले हमें अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जरूर जानना चाहिए, क्योंकि हो सके जो जो नया स्मार्टफोन आ रहा है उनमें से आपका बजट में कोई बेस्ट स्मार्टफोन भी हो। तो इसलिए आज का ये वीडियो एंड तक देखो। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं 10 से 12 नया स्मार्टफोन बताने वाला हूं, जो कि आने वाला कुछ ही दिनों में इंडिया पे लॉन्च हो रहा है, और एक गुड न्यूज भी है आप लोगों के लिए, वो भी बताऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपका भी पैसा बचे और आप अच्छा मोबाइल परचेस कर पाओ, और गुड न्यूज कौन सा है वो भी सुन लो। तो वीडियो स्टार्ट करते, लाइक का टारगेट 1000 सेट करते दोस्त, कंप्लीट करवा दो। तो जो गुड न्यूज है वो पहले जानना चाहते हो, या फिर कौन सा स्मार्टफोन आ रहा है वो पहले जानना चाहते हो, तो एक काम करते हैं, गुड न्यूज को थोड़ा बाद में बताता हूँ, वीडियो में बने रहो। जो जो स्मार्टफोन बैक टू बैक इंडिया पे आ रहा है उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो पहला स्मार्टफोन रियलमी की तरफ से आपको देखने को मिलेगा, रियलमी का सी सीरीज का स्मार्टफोन रियलमी C51। जी हाँ दोस्तों, इसका फोटो निकल के आ चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो। फोन बैक साइड से काफी अच्छा लगेगा देखने में, ड्यूल रियर कैमरा आपको मिलेगा, LED लाइट मिलेगा। फ्रंट में जैसे कि आप देख ही सकते हो, यहाँ पर ऐसा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। फोन का प्राइस 10,000 के अंदर होगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको 8 GB का रैम, 64 GB का स्टोरेज मिलेगा, 5000 mAh बैटरी, 33 W का चार्जर वगैरह आपको मिलने वाला है, और साथ में एंड्रॉइड 13 के साथ आएगा। अदर जो फीचर्स होगा ना उसके बारे में अभी तक निकला नहीं है, लेकिन ये फोन बहुत ही जल्द रिसेंटली आपको इंडिया पे देखने को मिलेगा। और अगर आपका बजट 10,000 के अंदर है और आप रियलमी का फोन लेना चाहते हो जिसका डिजाइन काफी खूबसूरत हो, तो इस फोन का आप वेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन दोस्तों, यहाँ पर आपको पोको की तरफ से फाइनली देखने को मिलेगा। बहुत दिन से पोको M सीरीज का कोई स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया था, तो पोको का M सीरीज भाई इंडिया पे काफी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे कि पोको M5, M5 Pro, M5 Pro 5G ये काफी बिका है। अब पोको M5 Pro का सक्सेसर इंडिया पे लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों, जो कि पोको M6 Pro 5G के नाम से आपको देखने को मिलेगा, और ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है, जैसे कि ये ट्वीट आप देख सकते हो जहां से ये कंफर्म हो जाता है कि बहुत ही जल्द ये इंडिया पे लॉन्च होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये फोन रेडमी का एक रीब्रांडेड फोन होगा, बट ये फोन इंडिया पे अभी तक आया नहीं है। रेडमी नोट 12R जो कि ऑफिशियली आउट ऑफ इंडिया में लॉन्च किया गया है, अब उसका रीब्रांड करके ये फोन इंडिया पे आएगा पोको M6 Pro 5G करके। इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट आपको मिलने वाला है, बाकी 50 MP का कैमरा, 5000 mAh बैटरी, फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश रेट, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसका भी वेट कर सकते हो। पोको का प्राइस थोड़ा सा कम होता है, आप देखते हैं किस बजट में इसको लॉन्च करता है। नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको जो देखने को मिलेगा ये रहेगा भाई मोटो की तरफ से। मोटो भाई जी सीरीज का एक फोन आपको लॉन्च करते हुए देखने को मिलेगा, मोटो G13 आया है, अब उसका सक्सेसर G14 आपको बहुत ही जल्द मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसका डिजाइन निकल कर आ चुका है, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके का डिजाइन होगा। इस फोन का प्राइस 10,000 के अंदर होगा, फीचर्स आपको अच्छा मिलने वाला है, क्लीन UI देखने को मिल जाएगा, और अगर आप चाहो तो इसका वेट कर सकते हो। जिसको जिसको मोटो का फोन पसंद आता है या फिर क्लीन UI जिसको अच्छा लगता है वो भाई वेट कर सकता है इस फोन। वैसे आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है कि रियलमी का जो C53 लॉन्च हुआ है कुछ दिन पहले इंडिया पे 108 MP कैमरा के साथ 9999 यानी 10,000 के अंदर लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन ये है कि भाई इस बजट में फोन में जो फीचर्स है वो क्या आपको सही लगा है या फिर नहीं लगा है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना। अब जो नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको लॉन्च होते हैं देखने को मिलेगा वो भाई आपको टेक्नो की तरफ से मिलने वाला है, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाल दिया है। टेक्नो पोवा 5 सीरीज के बारे में बात कर रहा हूं, और यहां पर टेक्नो पोवा 5 और 5 प्रो ये दो फोन आपको मिलने वाला है, जिसका टीजर आ चुका है अमेज़न पे, स्क्रीनशॉट देख सकते हो। इसका बैक पैनल में भाई LED लाइट आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि नथिंग फोन में आपको देखने को मिलता है, कुछ इसी तरीके से 8 GB पैनल आपको मिलेगा, और यूनिक डिजाइन होगा। बाकी यहां पर 6000 mAh बैटरी मिलेगा, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज भी मिल जाएगा, बाकी यहां पर 45 W का चार्जर, G99 का चिपसेट मिलेगा, फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट वगैरह देखने को मिलेगा, और डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे है, जाके देख लेना। अब ये टीज करना स्टार्ट हो चुका है, मतलब आने वाला 1-2 हफ्ते में ये भी इंडिया पे लॉन्च हो जाएगा। 10-12 हज़ार के आसपास इस मॉडल का प्राइस होगा, बट जो 5 Pro आएगा ना वो शायद आपको 5G के साथ मिल सकता है, क्योंकि अभी लीक्स ऐसा आया था, अब मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, देखते हैं जो भी होगा आगे अपडेट आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो इसका वेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन जो आपको मिलने वाला है रेडमी की तरफ से होगा दोस्तों, बहुत दिन बाद रेडमी फोन लॉन्च कर रहा है, रेडमी 12 की बात कर रहा हूँ, और ये ऑफिशियली मतलब टीजर आ चुका है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों जगह पे लॉन्च किया जा रहा है, जिसका डिजाइन आप देख सकते हो, डिजाइन एक्चुअली में काफी अच्छा है। बाकी यहाँ पर आपको ग्लास फिनिशिंग भी देखने को मिलेगा फोन का, देखते हैं प्राइस कितना होता है, प्राइस मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो बाकी फोन तो काफी अच्छा है इसका, लेकिन देखते हैं किस प्राइस में लॉन्च करता है, अगर आप चाहो तो इसका भी वेट कर सकते हो। दो स्मार्टफोन
मोटो और लॉन्च कर रहा है, जी सीरीज का ही है, लेकिन ये G84 और G54 ये दो नाम करके दो फोन आपको मिलने वाला है, रिसेंटली आपको लॉन्च होते हैं देखने को मिलेगा। फिलहाल इसका लीक्स तो नहीं आया है, लेकिन इंडिया लॉन्च कंफर्म हो गया है, ऑफिशियली तो नहीं, मतलब लीक्स वगैरह आना स्टार्ट हुआ है कि बहुत ही जल्द इसको इंडिया पे लॉन्च किया जाएगा। अगर आप चाहो तो वेट कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर लाभा क्यों पीछे रहे, तो लाभा भी दो फोन आपको मार्केट में लॉन्च करते हुए देखने को मिलेगा, जैसे कि लाभा अग्नि 2 आया है, काफी तगड़ा और किलर फोन है। अब लाभा दोस्तों और एक नया सीरीज ओपन करने जा रहा है, ये ओ सीरीज होगा और लाभा O1 करके एक फोन लॉन्च करेगा, और ये मुझे लगता है एंट्री लेवल का फोन होगा, मतलब 10,000 के अंदर आएगा। और एक फोन आपको देखने को मिलेगा लाभा का ब्लेज सीरीज का, जैसे कि लाभा ब्लेज 2 का अनबॉक्सिंग मैंने किया था, उसी का एक बड़ा भाई लाभा ब्लेज 2 प्रो करके आएगा, काफी अच्छा फीचर्स मिलेगा और प्राइस 10,000-12,000 के आसपास होगा, और बहुत ही जल्द ये दो फोन आपको इंडिया पे लॉन्च होते देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है इसका एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग आपको चैनल पे मिल सकता है, कोशिश कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो गुड न्यूज है, चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ भाई, जो नेक्स्ट फोन लॉन्च हो रहा है ना, वो भाई गुड न्यूज के साथ आ रहा है। ये भाई इन्फिनिक्स का GT सीरीज का फोन है, इन्फिनिक्स GT10 Pro। जी हाँ दोस्तों, GT10 Pro के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो, एक नहीं दो मतलब वीडियो डाल के रखा है, आप जाके देख सकते हो। ऑफिशियली इंडिया पे लॉन्च किया जा रहा है, फोन काफी तगड़ा और किलर डिजाइन के साथ आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो नथिंग फोन जैसा डिजाइन है, बाकी बैक साइड में आपको लाइट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, काफी अच्छा लगेगा। और सुनने को मिल रहा है यहाँ पर आपको क्लीन UI मिलेगा, नो एड नो ब्लॉटवेयर। वैसे तो यहाँ पर फीचर्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 7000 mAh बैटरी, 26GB रैम, 256GB स्टोरेज, और साथ में यहाँ पर चिपसेट नेक्स्ट लेवल का, 108MP कैमरा और एमोलेड डिस्प्ले 120Hz, मतलब सब कुछ काफी तगड़ा मिलने वाला है, फ्लैगशिप लेवल का फोन होगा। और इन्फिनिक्स का ये जो फोन है ना, गुड न्यूज क्या है कि इंडिया पे तो लॉन्च हो रहा है, इसका लॉन्च कंफर्म हो गया है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बहुत ही जल्द शायद अगस्त का फर्स्ट वीक में आपको लॉन्च होते देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो गुड न्यूज है दोस्तों, इसका जो एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग है वो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और जितना भी अपडेट आएगा इस फोन के बारे में मैं आपको हमेशा बताता रहूंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी ये था 10 से 12 नया स्मार्टफोन जो कि आने वाला कुछ दिनों में इंडिया पे लॉन्च हो रहा है। आपका बजट के हिसाब से अगर कोई फोन अच्छा होता है तो आप डेफिनेटली उसका वेट कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी तरीके से धमाकेदार वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगला कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।